साइन कन्वेंशन यूज करने की जरूरत नहीं है. जैसे ऑल द थ्री इक्वेशंस क्या करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे इसको. मुझे T1, T2, T3 में रिलेशन चाहिए, H की वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी. एक काम करते हैं, पहले U को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि U हमको नहीं चाहिए और H की वैल्यू तो हम रख ही देंगे. देखो जैसे ये यूजिंग 1 and 2 एलिमिनेट U, यूजिंग 1 and 2 एलिमिनेट U. U कैसे एलिमिनेट करें, एक काम करो इक्वेशन नंबर 1 को T2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 1 को T1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, पहले T2 माइनस एच T2 इज इक्वल टू यू T1 T2 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर इंटू T2. इक्वेशन नंबर 2 को T1 से मल्टीप्लाई करो, एच T1 इज इक्वल टू UT1 D2, कैंसिल हो जाएगा UT1 D2, प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर T1, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज कर दो. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 H T1 T2 इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 इंटू हाफ जी, नहीं माइनस माइनस प्लस होगा, नहीं ये तो 2 टाइम्स हो गया, वो तो नहीं 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 ये माइनस HT2 है, ये माइनस HT1 है, तो क्या बनेगा, एक मिनट, माइनस H कॉमन ले लो T1 प्लस T2, ये तो 0 हो गया, माइनस हाफ जी कॉमन ले लो, T1 T2 भी कॉमन ले लो, तो T2 प्लस T1 प्लस T2 हो जाएगा, ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस H माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ जी T1 T2. ये H की वैल्यू यहां पे ला के रख दो, तो हाफ जी T3 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी T1 T2, तो ये हाफ जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो T3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 T2. लर्न दिस रिजल्ट, सॉल्व करने में बहुत टाइम चला जाएगा. क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज लर्न दिस रिजल्ट. इज इट क्लियर, जस्ट चेक चेक ऑल द जस्ट हियर, आई एम गिव 1 मिनट, 1 मिनट में क्वेश्चन को अच्छे से देखो, पहले डायग्राम देखो इक्वेशन कैसे बनाए, पहले वो देखिए आप लोग, उसके बाद देखिए सॉल्यूशन कैसे किया. जस्ट टेक योर टाइम एंड जस्ट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, और इसको लर्न कर लेना, मैंने बोला कि इसको लर्न कर लेना, लर्न इट, एग्जाम में आता सॉल्व मत करना, टिक कर देना. हो गया सर, राइट साइड लो ना थोड़ा. ओके जस्ट अ मिनट, राइट साइड
No, but I said Vishal is not the formula. Actually, it's a result. But ये बहुत से मतलब देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्चुअली पहले जेई मेंस में आया लेकिन बाद में इसको मेडिकल में भी पूछा गया ठीक है तो अब सॉल्व करने को इतना नहीं आता इतना पुराना क्वेश्चन हो गया है कि कितनी बार आ चुका है ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन तो इन फैक्ट बच्चे इसको याद करके आते हैं मेडिकल में या सीईटी में इस टाइप के एग्जाम में आएगा तो यू कैन सिंपली टेक इट T3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 T2 ठीक है आज भी आने के चांसेस होते हैं और ये इंडिया के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है ओके यस तो इट्स अ रिजल्ट ऑफ इट्स बेसिकली इट्स अ प्रॉब्लम विशाली ये इसका रिजल्ट है Once you completed, inform me. So I will proceed to next problem. Yes, sir. हो गया मैं स्क्रॉल करूं? Yeah. Yes, sir, done. Okay. नाइनटीन तो आई थिंक हम लोग कर चुके थे कल ही किया था शायद हमने 20th या A water draws fall at regular interval. ये मैंने इस टाइप का प्रॉब्लम कराया था आप लोग ट्राई करो जरा इट्स अ ग्राउंड हियर फाइव मीटर अबव द ग्राउंड हाँ बेटा वैशाली कर सकते ठीक है ओके नाउ वाटर ड्रॉप ड्रॉप द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड द थर्ड ड्रॉप इज हियर फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड तो वेर 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 विल बी द सेकेंड ड्रॉप इट विल बी समवेयर बिटवीन देम सेकेंड ड्रॉप तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप क्या करेंगे आपको याद है मैंने आपको बताया था एक रूल बताया था इसका जब कोई ऑब्जेक्ट रेगुलर इंटरवल पे गिरता है तो उसके जो डिस्टेंसेस कवर होते हैं वो किस रेशियो में होते हैं ऑड रेशियो ऑड के रेशियो में वेरी गुड 1:3 तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 1:3 के रेशियो में रहता है Odd number 1:3:5:7:9 odd numbers के ratio में होता है odd ratios में होता है distances तो let ratio be x तो 1x + 3x total distance कितना है 5 meter ratio distance answer is 4 तो x is equal to 5/4 That is equal to 1.25. So, what is this distance? 1x. So, 1x matlab 1 into 1.25. So, it becomes 1.25 meter. Ye kitna hoga? 3x. So, it becomes 3 into 1.25. So, it becomes 3.75 meter. So, kaun sa option hoga? C option होगा from the ground पूछ रहा है ना तो second drop की position how far above the ground is the second drop 3.75 के होगा just see this question I'm giving few second 10 to 15 seconds just here see this question
Everybody understood? Sir, yes sir. Complete कर लिया तो फिर मैं next problem पे आता हूँ. तो हमेशा किसी को अगर ड्रॉप होता है ना तो ऑड नंबर्स के रेशियो में हो जाता है. यस बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग? बोलिए बेटा. इशिका कुछ बोल रहे हैं? ओके चलो. अच्छा इस टाइम पर प्रॉब्लम शायद और भी होंगे, मुझे देखने दो. एक मिनट मुझे इस टाइप के प्रॉब्लम और भी मिल सकते हैं. एक मिनट नहीं रहा, छोड़ वापस आते हैं हम लोग. सीक्वेंस ही करते हैं. कहां पे आ गए थे हम लोग? हाँ ड्रॉप वाले पास. थर्ड 20 कर लिया, देन 21. ये ओरल क्वेश्चन है, कोई बता पाएगा क्या इसको? रीड द क्वेश्चन केयरफुली. इट्स एन ओरल क्वेश्चन. Yes, Arnav, can you hear me? Arnav, can you hear me? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, माइक्रोफोन दे चीजिए जरा. Sir, option C, VB is equal to VM. और Arnav, yes, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे. I'm not able to hear you. माइक्रोफोन तेज करो थोड़ा सा अपना. आई कैन नॉट हियर योर वॉइस. आई एम नॉट एबल टू हियर यू. अच्छा हाँ प्रणव, आपने क्या बताया? वीएम इज इक्वल टू वीबी. कैन यू गिव मी द रीजन? ठीक है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा. आई एम नॉट एबल टू हियर यू. चलो कोई बात नहीं. हाँ प्रणव, गिव मी द एक्सप्लेनेशन व्हाई वीएम इज इक्वल टू वीबी. व्हाई वीएम इज इक्वल टू वीबी प्रणव? ठीक बताया बेटा आंसर, बट रीजन तो बता दो मेरे को. यू आर राइट, बट व्हाट इज द रीजन? आपने क्या सोच के आंसर बोला? सर एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल आर इक्वल.
A man is sleeping on a frictionless. नहीं ये थोड़ी ना वैशाली का मतलब थोड़ी ना नहीं A man is sleeping on a frictionless inclined plane, a bag falls down the same height. The speed of both is related as. आपने प्रणव काफी सही बताया है फिर और anybody having other explanation? एक्सीलरेशन क्योंकि ग्रेविटी तो सेम रहेगा ना बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी द सेम क्योंकि देखो अगर वो चाहे इस तरह से आ रहा हो चाहे वो वर्टिकल आ रहा हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों केसेस में तो डाउनवर्ड ही होगा ना और दोनों में सेम रहेगा इसलिए वो दोनों की वेलोसिटी नीचे आने पे सेम हो जाएगी आर यू गेटिंग गॉट इट यस सर हां 22 ट्राई योरसेल्फ इजी है ट्राई योरसेल्फ यूज दिस फार्मूला v = u - gd Anybody got answer? After the link is going to be finished, join with the same link again. Dobara phir se same link se join kar jana. Sir, is answer 20 meter per second? 20 meter per second. Use was simple, beta. 20 meter per second. 40 10 into 2. That is. Sir, answer is 20 meter per second. 20 meter per second. Correct. 23rd. Twenty-third.